हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। मैं आपको बता रही हूँ जनरल कैरेक्टर्स ऑफ रेप्टाइल्स। इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको मैमल्स की स्टडी कराई है, उसके जनरल कैरेक्टर बताए हैं, क्लासिफिकेशन बताया है, आउटलाइन भी और डिटेल में भी। नेक्स्ट क्लास है रेप्टाइल्स, रेप्टीलिया जो आपको पढ़नी है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। तो जनरल कैरेक्टर्स देखिए इसमें, इसमें देखो थोड़ा सा आपको उसका जो है एक देखिए, इसमें वर्टिब्रेट की सबसे पहली क्लास रेप्टीलिया होती है, जिसमें पाए जाने वाले एनिमल्स जो हैं लैंड पर रहते हैं, यानी धरती पर रहने वाले एनिमल हैं, एक्वेटिक नहीं हैं। इनके कुछ अपने स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो इन्हें दूसरे एनिमल या दूसरे एनिमल ग्रुप से डिफर करते हैं। एक तरफ रेप्टाइल्स के कैरेक्टर फिश तथा एम्फीबिया से मैच करते हैं, और दूसरी तरफ क्या है, इनके कैरेक्टर्स बर्ड्स और मैमल्स के समान होते हैं, यानी बर्ड्स और मैमल से भी इनके कैरेक्टर मैच करते हैं। देखिए, रेप्टाइल्स की स्टडी को हर्पिटोलॉजी कहते हैं, यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें टोटल आप रेप्टाइल्स की ही स्टडी करेंगे, रेप्टाइल्स के बारे में ही पढ़ेंगे, उसको हर्पिटोलॉजी बोलते हैं। रेप्टाइल्स के जनरल कैरेक्टर आप जनरल कैरेक्टर्स यहाँ पे देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट आपको है, पॉइंट्स बना के लिखना है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, मुख्य रूप से यानी मेनली टेरेस्ट्रियल होते हैं, कार्निवोरस हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं, एयर ब्रीदिंग हैं, ओवीपैरस हैं, टेट्रापोडल और वर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल धरती पर रहने वाले हैं, कार्निवोरस हैं मतलब दूसरे जीवों का शिकार करते हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं और एयर ब्रीदिंग भी हैं, ओवीपैरस हैं, टेट्रापोडल हैं और वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो आपको ये इसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखना है। सेकेंड पॉइंट पर आ जाइए, बॉडी इनकी बायलेटरली सिमेट्रिकल है, मतलब अगर आप बीच में से डिवाइड करेंगे तो दोनों तरफ सेम जो है पार्ट्स निकल कर आएंगे, तथा चार पार्ट्स में डिवाइड रहती है इनकी बॉडी, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिम्स के दो पेयर्स होते हैं तथा इनकी डिजिट्स में क्लोज पाए जाते हैं, कुछ लिजार्ड्स तथा स्नेक्स में लिम्स अब्सेंट होते हैं। इनका एक्सोस्केलेटन जो है एपिडर्मल स्केल्स का बना होता है, स्किन ड्राई होती है, इनमें ग्लैंड्स अब्सेंट हैं, यानी इनकी स्किन ऑयली नहीं है, ना कोई ग्लैंड्स है किसी तरह की, स्किन ड्राई ही होती है। माउथ इनका टर्मिनल होता है तथा जॉज में सिंपल टीथ पाए जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल एक क्लोएकल ओपनिंग के द्वारा खुलती है। एंडोस्केलेटन बोन्स का बना होता है, और स्कल में जो इनकी खोपड़ियों में केवल सिंगल ऑक्सीपिटल कोंडाइल प्रेजेंट होता है। मोस्टली इनका जो हार्ट है वो 3 चैम्बर होता है, केवल क्रोकोडाइल्स में, ओनली मगरमच्छ की अगर हम बात करें तो 4 चैम्बर इनमें हार्ट होता है। राइट तथा लेफ्ट दो सिस्टमेटिक आर्क पाई जाती हैं इसमें। आरबीसी इनकी ओवल है, न्यूक्लेटेड है, रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा ही हो रहा है, किडनीज इनकी मेटानेफ्रिक है, ब्रेन का जो सेरिब्रम है वो वेल डेवलप है, क्रेनियल नर्व के 12 पेयर्स हैं, लेटरल लाइन सिस्टम इनकी जो है एब्सेंट होती है, और सेक्सेस इनके अलग अलग हैं, मेल और फीमेल अलग हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मोस्टली जितने भी रेप्टाइल्स हैं वो ओवीपैरस होते हैं, यानी एग लेइंग एनिमल हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, और इसमें पैरेंटल केयर इसमें पाई जाती है। तो आप ये जो है 17-18 पॉइंट आप इसमें दे सकते हैं, तो ये काफ़ी हैं इसमें जनरल कैरेक्टर्स रेप्टाइल्स के क्वेश्चन में।